अयोध्या में उत्सव भगवान राम भरत जी को बढ़िया स्नान करवाया, श्रृंगार सीता जी को सिंहासन मंगाया गया, बैठे हैं प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के नाम वशिष्ठ जी महाराज ने कहा अब देर मत करना, कल महाराज कल पर किया था तो 14 साल बीत गया है, ठीक है अब तो अब ही आते हैं, बढ़िया सुंदर दिव्य सिंहासन, बढ़िया सुंदर तिलक, भरत जी शत्रुघ्न जी सभी लोग बढ़िया से सुंदर हैं, हनुमान जी चरण में बैठे हुए हैं, साफ सेवा भोलेनाथ भी आए हुए हैं साफ विष्णु जी के साथ में। आज जब इस तरह से राम राज्य हुआ, इस राम राज्य में क्या सुंदर महिमा है, दैविक दैविक भौतिक ताता और राम राज्य नहीं काबू, किसी को कोई कष्ट नहीं है, घर आया है जब आनंद आयो जी रघुवर जी वहां पर सभी लोग उत्सव मना रहे हैं, हम लोग वहीं बैठे बैठे उत्सव मनाएंगे, राम जी भी सुखित हो रहे सुंदर अयोध्या में उत्सव चल रहा है, आनंद आयो रे रघुवर जी आनंद आयो रे, सभी लोग एक बार हाथों का लो आनंद आयो रे रघुवर जी आनंद आयो रे आनंद आयो रे रघुवर जी यहाँ पर बरसायो रे आनंद आयो रे, आनंद आयो रे आनंद आयो रे आनंद आयो
आयो रे दिया पर रे मां पे अकबर आयो रे आनंद आयो रे ठाकुर जी का ये मनाया गया, सारी अयोध्या आनंद से भर गई है। अब तो भगवान सुंदर सुंदर लीला करेंगे। धीरे धीरे समय बीता, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं। यहां दंड नाम से अगर कोई चीज है तो सन्यासी के हाथ में वो डंडा है बस, बाकी कोई दंड नहीं है। यहां सब मुक्त है, कोई गलती नहीं तो कोई दंड नहीं। बहुत सुंदर ठाकुर जी का ऐसा राज्य चला। धीरे धीरे समय बीता, दो दो बालक सत्य हुए, दो सुत सुंदर सीता जाए सभी भाइयों के। रामचरितमानस के अनुसार से राम राज्य तो कराया है लेकिन गमन नहीं हुआ। आवाज नहीं करना, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुने। तुलसीदास जी महाराज, किम गवने निज धाम, पार्वती ने तो प्रश्न किया है लेकिन शिव जी यहीं तक सुनाया है। तुलसीदास जी रामायण में, राम जी हमारे बड़े सुंदरता से रह रहे हैं, सभी कुलवासियों को बुला करके सत्संग करवाते हैं। राम जी का सत्संग भी बड़ा सुंदर है। हे कुलवासी लोग, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जो कहूंगा वही हां मत भर लेना। अगर आपको सही न लगे तो आप अपना पक्ष रखना, राजा हूं इसके नाते भय मत करना। लेकिन भैया एक बात बता दूं, जो मेरी बात मानेगा वो मेरे को अच्छा बहुत लगेगा। ये राम जी का कहने का तरीका है। और बताओ यहाँ कितने बैठे हो जो किसी की बात माने तो बुरा लगे, जो बात मानते हैं वो सब अच्छे लगते हैं। राम जी ने खोल के कह दिया, अगर आपको अनुचित लगे तो डर के मारे हाँ मत भरना, आप कहना, मैं उसमें विचार करूंगा, लेकिन जो मेरा अनुशासन मानेगा वो मेरे को प्रिय बहुत लगेगा। ठीक है, क्या सुनाया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ए प्रवासियों, ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है, साधनों का तो धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। और अगर अभी भी कल्याण नहीं करोगे तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। आप में दोष लगाओगे क्या करें महाराज, हमारे किस्मत में नहीं है भैया, ये चलेगी नहीं। आप कहोगे महाराज कलयुग का समय है, नहीं चलेगी। जौन तरह भव सागर नर समाज असपाए, सो कृत निंदक मंद मति आत्माहन गति जाए। फिर तुम्हें आत्महत्या का पाप लगेगा। क्यों? जिस पर भगवान ने विश्वास किया कि अपना उद्धार कर सकते हैं, भगवान उनको मनुष्य जन्म दिया, नहीं तो किसी और को मिलता तुम्हारी जगह। और आप तुमने इन पशुओं की तरह करने लग गए। जब कोई इस मनुष्य का उदाहरण पशु से करता है तो पशु नाराज होते हैं, ये मेरे जैसे नहीं है, इनको मेरे जैसे क्यों बनाते हो। किसी ने पूछा क्यों, बोले मैं पाप भोग करके मनुष्य होने की तरफ बढ़ रहा हूं और ये दुरुपयोग करके पशु होने की तरफ बढ़ रहे, तो हमारी इनकी होड़ कहां है। ये मेरे से भी बिया निंदनीय है। मनुष्य को चाहिए भगवान के चरणों में प्रेम करे, बहुत सुंदरता पूर्वक भगवान का भजन करे। हे पार्वती, मैंने तुम्हें ये बात सुना दी, अब आप क्या सुनना चाहती हो। हे महाराज,
ये जो कथा तुमने सुनी है ये तुमको कहां मिली और कैसे सुनी ये बता दो। ध्यान दिया। शंकर जी कहते हैं, हे देवी ये कथा जो मैंने सुनी जब तुम सती शरीर में पागल हो गई थी ना, चली गई तो मैं अकेला बैठा क्या करता, अकेला बैठा मैं करता क्या था? क्या करता आखिर में? प्रसाद अभी शुरू कर दिया, अभी पूरा नहीं हुआ है, आप लोग देखे ध्यान नहीं दिए, प्रसाद देते ही इनको लगेगा कथा पूरी हो गई और अभी बहुत समय बाकी है, अभी मूल प्रसंग सब बाकी है। ध्यान से सुने हमारे कार्यकर्ता और श्रोतागण, माताएं अभी पूरा नहीं हुआ, अभी जो खास कथा है वो तो बाकी पड़ी है, जिनके कारण से छूटे हुए प्रसंग को पूरा मानते हैं और कथा का एक चौथाई भाग मिलता है वो कथा भी बाकी है। जब आप लोग आ ही गए हैं तो भी उठा उठी मत करो, अभी कथा पूरी नहीं हुई है, वैसे कार्यकर्ता समझ नहीं पाए, अभी बहुत समय बाकी है, अभी बैठ जाओ, प्रसाद अगर मिल भी गया हो तो अभी पूरा नहीं हुआ है। अब कैसे बताओ, प्रसाद मिल गया इसे मतलब पूरा हो गया। अब ये लोग भी हमारे कार्यकर्ता भी ध्यान नहीं दिए, नहीं सारा समझे, अभी पूरा हुआ नहीं, अभी बहुत कथा बाकी पड़ी है। शांति से सभी लोग मेरी बात सुन रहे हो तो थोड़ा बैठने की कोशिश करो, जब आज आ ही गए हैं तो पूरा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हाँ वो ध्यान देवे। जब हमारे पार्वती जी ने ये बात पूछी है कि हे भोलेनाथ ये कथा तुमको कहाँ मिली, तो बोले जब तुम्हारा शरीर छूटा तो मैं अकेला था तो कैसे जीवन जिया, जहाँ कहीं कथा होती वहाँ जाके कथा सुना और जहाँ कथा नहीं हुई थी वहाँ कथा सुनाया, दोनों काम किया। एक बार मैं नीलगिरी पर्वत पर गया जहाँ पर कागभूषुंडी जी का आश्रम है, उधर लोग को क्या अच्छा अच्छा हो रहा है, कोई कार्यकर्ता उधर जाओ क्योंकि कथा भी बहुत बाकी है, कई बार झांकी कथा को और बिगाड़ देती है, कई बार तो बना भी देती है, तो कोई कार्यकर्ता उधर जाओ और थोड़ा सा संभाल लो थोड़ी देर के लिए, बस ध्यान से सुने, प्रसंग बनेगा नहीं फिर मेरे को संक्षिप्त करके पूरा ही करना पड़ेगा, कर दें क्या, थोड़ा सा देखें भी इस तरफ से आवाज ज्यादा आती है उधर कार्यकर्ता को पहुंचना चाहिए और उनको। अब ये लोगों को भी पता नहीं है, झांकी वाला हम रखेंगे नहीं, बंदी कर देंगे, अभी इनको वहां ले जाने की क्या जरूरत पड़ी हुई थी, कथा जब 4 बजे पूरी होती है उसके बाद ही पूरी होनी चाहिए, तो इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखें और बड़े प्रेम से इस कथा को सुने, कथा श्रेष्ठ है, वो ध्यान से बात को सुनेंगे, बिगाड़ा नहीं करेंगे, सभी लोगों से मेरी विनती है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शंकर जी कहते हैं, हे देवी मैं वहां गया तो वहां पर प्रसंग चल रहा था कागभूषुंडी जी का, गरुण जी को कथा सुनाई गई। अच्छा महाराज ये गरुण जी क्यों सुने कथा, ये तो भगवान के पास ही रखते हैं तो लाइव देखते होंगे, सुनने की क्या जरूरत है इनको। बोले नहीं, ये साथ रहने वाले कभी गलती करके और अपने स्वामी में बहन करते हैं, जो दूर से तो संत सेवा बढ़िया होती है और जो पास रहते हैं ना उनसे थोड़ी गड़बड़ी भी होती है। ये गरुण जी जिस समय नागफास में भगवान को मेघनाथ ने बांध दिया तो नारद जी गरुण जी को बुलाए, तुम्हारे स्वामी बंधे हुए हैं तुम उनको नागफास से मुक्त कर दो। अब गरुण जी के अभिमान हो गए, इनसे ज्यादा बलि तो मैं ही हूं, ठीक है जब भगवान पर इस तरह, अरे वो तो भगवान ने बड़ा ही दिया, नहीं तो भगवान कोई नागफास में बंधते। जब स्वामी कभी कभी अपने सेवक को कह देता है बता भाई तेरे मन की बता क्या करूं, तो उसको वहम हो जाता है कि मालिक भी हमारे बस में हो गए हैं, वो बस में नहीं हो गए हैं, वो थोड़े थोड़ा सा खुशी देना चाहते हैं, पागल पर नहीं आनी चाहिए। गरुण जी के ये मन में जच गई, अब इनके हुई बेचैनी, अब बेचैनी का कोई दवाई नहीं। नारद जी के पास मिले, नारद जी ने कहा भैया कभी तुमने अभिमान किया होगा, कई बार हमारे भी ये लगा हुआ है झटका, ठीक है कई बार हमारे ये पागलपन आया है, मेरे को तो लग रहा है वही लक्षण तुम्हारे में दिख रहे हैं, एक काम करो एक मुख से आपका काम नहीं चलेगा, आप चतुरानंद पर चले जाओ, वो अपने बाप पर भेज दिया,
चतुरानंद के पास में गए, तुम पंचानंद के पास चले जाओ। कहाँ चले जाओ? चतुरानंद रेफर कर दिया पंचानंद के पास कि केस सीरियस है, हमारे से नहीं होगा। अब पंचानंद कह रहे हैं मैं मिला रास्ते में, और समझ को गया कि इन्होंने कोई अभिमान किया होगा, तो इनका अभिमान नाश करने के लिए ये पक्षियों के हैं राजा। कोई जरूरी हो तो जाने दो, कोई बात नहीं। कोई बहुत ज्यादा जरूरी हो तो जाने दो, नहीं तो कोई बात, बैठे रहे माताएं, उठरा उठी नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया प्रसंग था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा संक्षिप्त करना ही पड़ेगा। ध्यान देवे, एक आनंद को मामला सीरियस रखा तो चतुरानंद पर रेफर किया। चतुरानंद ने देखा ये मामला मेरे से नहीं, पंचानंद में जाओ, और पंचानंद ने देख करके मर्ज समझ लिया कि अभिमान किया होगा, ये पक्षियों के राजा हैं, और पक्षियों में जो चंडाल है उनसे इलाज करवाऊं तो अकल आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अगर अभिमानी होंगे तो जाएंगे नहीं, और जाएंगे नहीं तो ठीक होएंगे नहीं। उन्होंने कहा देखो भैया, हम इलाज कर तो देते, लेकिन तुम रास्ते में मिले हो, गोली दवाई आला माला सब ऑफिस में है, तो मैं कैसे करूं? एक काम करो, हमारे पड़ोस में काग रसुंगी जी का एक ऑफिस है, उधर चले जाओ। मैंने तो हे पार्वती इनको वहां भेजा, और जब ये वहां गए और जब वो कथा सुनी, जैसे वहां पहुंचे थे, बड़ी विचित्र यहां पर कहा है। अब जैसे काग रसुंगी जी की बात आई, तो फिर पार्वती जी ने पूछ लिया महाराज बताओ ये काग रसुंगी कौन है? ये प्रसंग चल गया। अब काग भुसुंडी एक बार अयोध्या में जन्मे, और अयोध्या में था, अकाल चले गए उज्जैन, उज्जैन में महाकाल की सेवा करने जाते। ठीक है, एक वहां बड़े सरल स्वभाव के ब्राह्मण देवता थे, इसको देखा और बड़े कृपा करके शिव की भक्ति और विधि सिखा दी। अब ये छोटे लोगों को अगर ऊंचे उठा दो तो फिर ये आंख में पड़ते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये गड़बड़, हमको तो सरस मान करके सिखा दिया, और हम तो हम ही थे। एक दिन गुरु जी आए और उनका ही हमने आदर नहीं किया जिसे सीखा था। ये बात गुरु जी के तो मन में नहीं आई, लेकिन शंकर जी सह नहीं पाए। शंकर जी ने साफ दे दिया, अजगर की तरह बैठा है, गुरुदेव का अपमान करता है, जा तू अजगर हो जा, हजार जन्म तेरा होगा। गुरु जी कांप गए, बोले ना ये नादान था, इतना कठिन जो अगर मेरे पर आप खुश हो तो थोड़ा आराम दे दो। बोले जाओ, जन्मत मरत तुमको दुख नहीं होगा, जब चाहोगे जब शरीर छोड़ दोगे, जब हजार जन्म तो लेना होगा। वही वो शूद्र जन्मता मरता कई जन्म, अब बना ब्राह्मण, और ब्राह्मण बना तो वहां भगवान की भक्ति ढूंढने लगा, क्योंकि शिव जी जब देते हैं तो राम जी की भक्ति देते हैं। जहां तहां तर्क वितर्क करता, एक दिन मिल गए लोमस ऋषि। पार्वती जी ने पूछा बोलो ये लोमस जी कौन है? कथा में से कथा निकलती, बड़ी विचित्र कथा है। बोले लोमस ऋषि एक बार एक जगह बैठे हुए थे, अपने सिर पर एक पूला रखे हुए। ठीक है, तो देवराज इंद्र ने कहा अरे बाबा कितने आलसी हो, कुटिया बना लो ना। बोले बेटा मेरे पास टाइम कहाँ है, थोड़ा सा जो समय है वो कुटिया बनाने में लगे देंगे तो राम राम कब करेंगे। बोले कितना समय बचा है, कितना घंटा? बोले घंटा और दिन का तो पता नहीं है, एक ब्रह्मा जब मरते हैं तो मेरे को मुंडन करवाना पड़ता था, मैं उब गया इनके मुंडन करवाते करवाते। अब तो जब ब्रह्मा जी जाते हैं तो एक रोया उखाड़ करके उनके नाम पर चढ़ा देता हूँ, कौन रोज मुंडन करावे, तो रोज ही मरे। अब ब्रह्मा जी की उम्र कम होती है क्या? आप बताओ, हमारे शरीर में जितने रोम है ना, इतने ब्रह्मा मरेंगे, उसके बाद हमारी उम्र पूरी होएगी। और नाम क्या है इनका? लोमस ऋषि। एक तिनका टीका इतनी जगह रोम से खाली नहीं है। वो लोमस ऋषि से मैंने तर्क वितर्क किया, अरे भैया अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। चंदन भी गर्म हो जाता है, बाबा जी गर्म हो गए। बोले अरे तू हमेशा अपने आप को चतुर मानता है, सपति हो पक्षी चंडाला जाओ, तुम पक्षियों में चंडाल पक्षी कौवा बन जाओ। इतना भयंकर साफ था कि मैं कौवा बन गया। लेकिन भैया जब मैंने कोई गुस्सा नहीं किया तो आकाशवाणी हुई और उसकी कृपा से हमको सजीव ध्यान, और तभी से मैं ये कौवा बन के रहता हूँ, किसी में राम जी का मुझे दर्शन हुआ। हर 5 साल जब युग में अयोध्या में बाल लीला होती है, मैं 5 साल तक जाके देखता हूँ, और इसके बाद अपने आश्रम में आ जाता हूँ, भजन करता हूँ। ऐसा करते करते बीते कल्प
कितना 27 कल ये 28वां चल रहा है। ऐसा सुंदर ये कथा, और जब आज यहाँ पर गए वृद्ध वृद्ध विहंगता आए, वही करुण जी गए थे उनके पास, सुने राम के चरित सुहाए, कथा तो बढ़िया चल ही रही थी, वहां पर भी जवान नहीं आए थे, वृद्ध वृद्ध ही आए थे। ठीक है, कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय गयो खगनाहा, आवत देख सकल खग राजा, हर्षो बायत सहित समाजा। अति आदर खगपत कर कीना, स्वागत पूछ सुवासन देना, करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले हुकागा, नाच कृतार्थ भयो मैं तो दर्शन खगराज, आयुष देव सु करब अब प्रभु आयो के काज। अब बताओ किस लिए आए हैं, सुनो तात के कारण आयो, सो सब भयो दरस्तो पायो, अब भगवान की कथा, अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंग न सावन। जितने श्रोता लोग हैं सभी एक बार फिर से सुनेंगे, चाहे कार्यकर्ता हो या श्रोता हो, अब अपनी अपनी जगह पर खड़े होके बैठ के जैसे भी ये संक्षिप्त कथा सुनने की बहुत सुंदर महिमा है। कोई प्रसंग आपका छूट गया होगा तो वो पूरा मान लिया जाता है, इसलिए ये जरूरी है, इसे सुनना चाहिए। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, सबसे पहले भवानी का अनुराग सुनाया, फिर रामचरित सरोवर का वर्णन सुनाया, नारद जी का मोह, रावण का अवतार, भगवान श्री राम के अवतार की कथा गाई, उसके बाद भगवान की बाल लीला, बाल चरित विविध विधि कहा, और उसके बाद में श्री विश्वामित्र जी का आगमन और भगवान श्री राम के विवाह की कथा सुनाई, राम जी के अभिषेक का प्रसंग, और जिस तरह से राजा का वचन भंग हुआ वो भी सुनाया, पूर्ववासियों का विरह विषाद और राम लक्ष्मण का संवाद सुनाया, जिस तरह से चित्रकूट गए और केवट का प्रेम वो सुनाया, इसके बाद भगवान गंगा को पार करके जो प्रयाग में रहे वो भी सुनाया, बाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिम बसे भगवाना, ये कथा सुनाकर सचिवागमन नगर ने प्रमरना, जिस तरह से सुमंत्र अयोध्या आए और महाराज दशरथ का शरीर छूटा, भरत जी का आगमन और उनके प्रेम का वर्णन हुआ है, महाराज दशरथ जी के अंतिम क्रिया का और संग पूर्ववासियों को लेकर भरत जी जो चित्रकूट गए हैं ये कथा भी सुनाई, इसके बाद भगवान राम ने बहुत तरह से जो भरत जी को समझाया है वो प्रसंग, और जिस तरह से भरत जी पादुका लेकर आए हैं वो प्रसंग, और उसके बाद जैसे भगवान भरत अयोध्या में रहे हैं वो प्रसंग भी विस्तार से सुनाया है, सुरपति सुत की करनी, जयंत की करनी का कथा, अत्रि महाराज से भेंट ये भी सुनाया, विराट का बध और सर्वंग का देह छोड़ना ये भी सुनाया, सुतीक्षण जी की प्रीति और अगस्त जी का सत्संग और दंडक बन की पावनता और गीत से मैत्री, कुंच पंचवटी पर भगवान का वसना और मुनियों के त्रास को हरना ये कथा भी सुनाई है, लक्ष्मण और जिस तरह से लखन को उपदेश दिया है वो अनूप चरित्र वो उपदेश सुनाया, और सूपनखा को जैसे कुरूप किया है वो बात बताई, खरदूषण का वध और इसके बाद में दशानन को जो संकेत सूचना मिली वो कहानी सुनाई, दस कंधर मारीच की जो बात हुई आपस में वो बढ़िया विस्तार से सुनाया, माया सीता का हरण हुआ उसको सुनाया, रघुवीर जी के विरह का वर्णन हुआ, गीद की क्रिया, कबंध का उद्धार और सबरी की गति जो दिया है उस कथा को भी सुनाया है, इसके बाद भगवान पंपा सरोवर पर सीता जी के विरह में जो रहे वो सुनाया, और इसके बाद पंपा सरोवर के तीर में जो घटना घटी उसको सुनाया, प्रभु नारद के संवाद, हनुमान जी का मिलन, सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण का हरण ये कथा सुनाई है, सुग्रीव को राज तिलक, चौमासा का वर्णन, वर्षा ऋतु का वर्णन, और फिर जो सुग्रीव पर गुस्सा किया भगवान ने वो भी सुनाया है, जहीपति कपिपति कीस पठाए, जिस तरह से चारों दिशा में बानर भेजे सीता जी का खोज करने के लिए, बीबर में प्रवेश किया, संपाति मिला, हनुमान जी महाराज उस समुद्र को लांघ गए, लंका में प्रवेश किया, सीता जी को धीरज दिया ये कथा सुनाई है,
वन को उजारा, रावण को समझाया और वापस मांग करके आए हैं। भगवान को जो सूचना दिया है वो कथा सुनाई है। इसके बाद भगवान सेना सहित समुद्र के किनारे गए और समुद्र पर पुल बांधा है, विभीषण से मिले हैं, सागर का निग्रह किया है, सेतु बंधन हुआ है, सेना उस पार जो उतरी है, इसकी सुंदर कथा कही है। जिस तरह से अंगद के दूत बन के गए हैं उसका भी वर्णन किया है। निशाचर और बानर की जो लड़ाई हुई है तरह तरह की, उसका वर्णन है। कुंभकर्ण, मेघनाथ के बल और पौरुष और उसका संहार, ये तीनों सुनाया है। निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना, राम रावण के युद्ध का वर्णन, रावण का वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण को राज्य, सीता और राम जी का मिलन और जिस तरह से देवताओं ने स्तुति किया है उसका वर्णन। इसके बाद भगवान पुष्पक पर चढ़कर जैसे अयोध्या आए हैं उसको सुनाया। जहिबित राम नगर निज आए, बायस विशद चरित्र सब गाए। उसके बाद कहिस बहुरी राम अभिषेका, पुर वर्णत नपुनेत अनेका, तथा समस्त बसुंदी बखानी, जो मैं तुम संग कही भवानी, वो सब मैंने तुमको कह दिया। अब बताओ अब तुम क्या सुनना चाहती हो। जब इस तरह से कथा सुनाई है, गीता जी में आप देखेंगे जैसे वहां वर्णन है ऐसे यहाँ। गयो मोर संदेह सुनो सकल रघुपति चरित, भयो राम पद ने तो प्रसाद बायस तिलक। गरुण जी कहते हैं मेरा मोह नष्ट हो गया आपकी कृपा से, यही गीता जी में आया है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, बोले किस लिए, बोले तत्प्रसाद मयाच्युत, आपकी कृपा से गरुण जी का संदेह पूरा हो गया। और इसके बाद में हमारे शिव जी कहते हैं देवी बताओ अब क्या सुनाऊं आपको। बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग में मानस रोग और ज्ञान मणि की साधना, ज्ञान दीपक प्रसंग का सुंदर वर्णन है। इस वर्णन के बाद में भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, वह कुल धन्य है जहाँ पर भक्त जन्मते हैं, वो नारी धन्य है जो पति के व्रत में रहती है, वो धन धन्य है जो ऐसे सुंदर कार्यों में लगता है, वो कुल धन्य है जगत का पूज्य है जहाँ भगवान का भक्ति करने वाला जन्मा हो, वो राजा धन्य है। बहुत सुंदर धन्यता दिया। और इसके बाद कहते हैं हे देवी, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुमा आन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहिं वेद पुराण। हे देवी, संतों के समागम के समान कोई इस सृष्टि में लाभ नहीं है। वेद पुराण सब गाते हैं, कहो परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटई वो पासा, जो कथा मैंने आपको सुनाई है इसके सुन लेने मात्र से आवागमन का नाश हो जाता है, ऐसा मन में विश्वास करना चाहिए। प्रणत कलप कर करुणा कुंजा, उपजी प्रीति राम पद कंजा। हे देवी, बहुत तरह के साधन भगवत प्राप्ति के हैं। कौन कौन से साधन हैं थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। तीर्थाटन, जगह जगह तीर्थों में जाना।